दोस्तों आपका स्वागत है इंडियन इंडस्ट्रियल ट्यूटोरियल में। दोस्तों फिर से आ रहे हो बहुत सारे वॉकिंग इनटू बहुत सारे डॉक्यूमेंट लेके। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा हो वॉकिंग इनटू जो होने वाला है दोस्तों 24 मार्च 2023 9 बजे से 12 बजे तक। यहाँ पे आप देखोगे इंजीनियरिंग के लिए वैकेंसी है, जहाँ पर प्रोसेस इंजीनियरिंग के लिए एग्जीक्यूटिव सीनियर एग्जीक्यूटिव बीटेक मैकेनिकल 5 से 8 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। नेक्स्ट दोस्तों प्रोसेस इंजीनियरिंग में ही दोस्तों टेक्नीशियन के लिए वैकेंसी, डिप्लोमा ITI 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। नेक्स्ट दोस्तों प्रोसेस इंजीनियर में टेक्नीशियन के लिए वैकेंसी, जहाँ डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन मांगा गया है 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस। नेक्स्ट बात करें यूटिलिटी के लिए वैकेंसी, ऑपरेटर जहाँ पर ITI 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया। नेक्स्ट है दोस्तों ऑटो कैड इंजीनियर, जहाँ पर दोस्तों एग्जीक्यूटिव के लिए वैकेंसी है, BTech कंप्यूटर साइंस 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। नेक्स्ट है दोस्तों सिविल के लिए एग्जीक्यूटिव BTech डिप्लोमा सिविल से मांगा गया 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस। नेक्स्ट बात करें प्रोडक्शन के लिए वैकेंसी, जहाँ पर दोस्तों एग्जीक्यूटिव सीनियर एग्जीक्यूटिव के लिए वैकेंसी BSc फार्मा डिप्लोमा 3 से 6 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया। नेक्स्ट है QC के लिए, जहाँ पर माइक्रोबायोलॉजी एग्जीक्यूटिव सीनियर एग्जीक्यूटिव BSc MSc माइक्रोबायोलॉजी 3 से 6 साल का एक्सपीरियंस दोस्तों यहाँ पर मांगा गया है। नेक्स्ट बात करें R&D के लिए वैकेंसी, जहाँ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव के लिए वैकेंसी है, जहाँ क्वालिफिकेशन की बात करें तो MBA MSc फार्मासी 3 से 6 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया। यहाँ पर ओनली मेल कैंडिडेट को प्रेफरेंस मिलने वाला, मेल ID भी दीजिएगी जिस पर आप अपना CV भी ड्रॉप कर सकते हो recruitmentfive@jodacxpoim.in। यहाँ पर दोस्तों आपको अपना जो है रिज्यूमे और अपना 3 मंथ का पे स्लिप और रिसेंट इंक्रीमेंट लेटर और ओरिजिनल सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, ये सब यहाँ पर डॉक्यूमेंट आपको जो है लेके जाने रहेंगे 2 जीरोक्स सेट के साथ। यहाँ पर दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कि इसका जो वर्क लोकेशन भी आपको बता दिया गया है, वर्क लोकेशन तेलंगाना में रहेगा। नेक्स्ट बात करूँ दोस्तों अपोलो हॉस्पिटल में वैकेंसी है, यहाँ पर मेडिकल एडमिनिस्ट्रेटर, ऑपरेशन मैनेजर, नर्स, टेक्नीशियन है, बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव, QMIT बिलिंग स्टोर, OT इंचार्ज, इस तरीके से बायोमेडिकल इंजीनियर फार्मास्ट के लिए वैकेंसीज हैं। ठीक है, सब में डिप्लोमा BE D फार्मा एम फार्मा BSc GN एनी ग्रेजुएशन BCA, ये सब जो है क्वालिफिकेशंस मांगी गई हैं। मेल ID दी गई है, कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया, जहाँ पर आप अपना CV ड्रॉप कर सकते हैं। मेल ID है CERWRS@NIRALIHALTSCARE.ORG। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों जूबिलियंट में, यहाँ पर दोस्तों 25 मार्च 2023 सैटरडे को इंटरव्यू होने वाला है। ये एक वॉकिंग इंटरव्यू है जो दोस्तों आपको देखने को मिल रहा होगा कि जूबिलियंट भारती फाउंडेशन 151 GIDC और नियर ABC सर्कल भरूच में होने वाला है। होटल का भी नेम दिया गया है नियर। दोस्तों यहाँ पर जो वैकेंसी आपको देखने को मिल रही होगी, केमिस्ट प्रोडक्शन के लिए वैकेंसी है 3 से 6 साल का एक्सपीरियंस। यहाँ पर क्वालिफिकेशन BSc केमिस्ट्री डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग मांगा गया है। यहाँ पर एक्सपीरियंस की बात करें तो रिएक्शन ऑटोक्लेव हाइड्रोजनेशन फिलिंग ऑफ BPR सेफ्टी कंप्लाइंस लॉग सी डिस्टिलेशन MEE ऑपरेशन और फिल्ट्रेशन एंड मेंटेनेंस प्रोसेस पैरामीटर ट्रबल शूटिंग। हाँ, आपको ISO के बारे में भी 9001 और 14001 45000 के बारे में होना चाहिए। नेक्स्ट बात करूँ तो यहीं पर शिफ्ट इंचार्ज प्रोडक्शन के लिए वैकेंसी है, 4 से 8 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। जहाँ पर दोस्तों BE BTech केमिकल इंजीनियरिंग, आपको यहाँ पर ऑपरेशन ऑफ पंप्स कंप्रेसर ब्लोअर सेफ्टी वॉल्व हैं कंट्रोल वॉल्व और आपको यहाँ पर SOPs और DCS PLC और अपना जो ISO सर्टिफिकेट के बारे में जो तीन हैं उनके बारे में नॉलेज होना अनिवार्य है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सीनियर इंजीनियर के लिए वैकेंसी है, इंस्ट्रूमेंटेशन 4 से 8 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। जहाँ पर BE BTech इंस्ट्रूमेंटेशन और यहाँ पर आपको जो है बता दिया गया, जैसे आपको कंट्रोल सिस्टम का नॉलेज होना चाहिए, DLC PLC SCADA ये सब, तो ये आपको बता दिए गए। नेक्स्ट बात करें असिस्टेंट फोरमैन टेक्नीशियन के लिए वैकेंसी है, जहाँ पर इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 4 से 8 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। क्वालिफिकेशन डिप्लोमा ना ITI इंस्ट्रूमेंटेशन, ठीक है, डिप्लोमा और ITI दोनों चलेगा, इंस्ट्रूमेंटेशन से होना चाहिए। एक्सपीरियंस आपको बता दिया गया है, जैसे आपको नॉलेज होना चाहिए कैलिब्रेशन और एक्टिविटीज़ बैकग्राउंड सॉरी ब्रेकडाउंस हैं PM ये सब होना चाहिए।
एक्सपीरियंस आपका बैच कंटिन्यूस एपीआई फार्मास्यूटिकल प्लांट विद डीसीएस ऑपरेशन का चलेगा। यहाँ पे प्रेफरेंस मिलेगा फीमेल कैंडिडेट को। मेल आईडी दी गई है जिस पर आप अपना सीवी ड्रॉप कर सकते हो। vdesrecruitment.bharuch@jubl.com। कॉन्टैक्ट नंबर 7069007020 दिया गया है। यहाँ पर देखो बता दिया गया है, जिन लोगों ने इंटरव्यू 6 मंथ के अंदर दिया या जिन जो कंपनी में लेस देन 1 महीना हुआ, जो जिस कंपनी में भी हो, वो लोग इस इंटरव्यू को अटेंड नहीं कर सकते, सीधा बोला गया है। ठीक है, नेक्स्ट वैकेंसी सैमसंग इंजीनियरिंग है। वैकेंसी डिज़ाइन इंजीनियर के लिए नोएडा। लोकेशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि सैटरडे 25 मार्च 2023 को 9:30 से 3 बजे तक इंटरव्यू होने वाला है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा प्रोसेस के लिए वैकेंसी, मैकेनिकल, पाइपिंग, हाँ, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, सिविल, इस तरीके से दोस्तों डेवलपर के लिए वैकेंसीज हैं। जहाँ पर बीटेक मांगा गया, रिलेटिव ब्रांच से 2 से 15 साल का एक्सपीरियंस। मेल आईडी दी गई जिस पर अपना सीवी ड्रॉप कर सकते हो, recruitment.sei@samsung.com। यहाँ पर आप अपना सीवी जो है ड्रॉप कर सकते हो दोस्तों। बाकी के 25 तारीख को होने वाला है वॉकिंग इंटरव्यू, तो ये लोकेशन इसकी दी गई यहाँ पर आपको, तो लोकेशन तो आपको दिख ही रही है, क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों यहाँ पे और आपको देखने को मिलेगा कि ये जो वॉकिंग इंटरव्यू 26 मार्च 2023 9 से 4 बजे तक होने वाला है। लोकेशन आपको यहाँ पर दी गई जहाँ पर इंटरव्यू रहेगा, मतलब फाइनली ये इंटरव्यू जो है हिमाचल प्रदेश में होने वाला है, कंपनी में ही होने वाला है। पूरा एड्रेस आप सामने देख सकते हो, बद्दी यूनिवर्सिटी, नियर बद्दी यूनिवर्सिटी। ठीक है, कंपनी खुद में इंटरव्यू रहेगा। यहाँ पर वैकेंसी की बात करें तो QC के लिए वैकेंसी एग्जीक्यूटिव टेक्निकल असिस्टेंट बीफार्मा MSc 2 से 7 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया। नेक्स्ट बात करें QA के लिए वैकेंसी एग्जीक्यूटिव टेक्निकल असिस्टेंट या बीफार्मा MSc 2 से 7 साल का एक्सपीरियंस। नेक्स्ट है हेल्थ सेफ्टी इन्वायरमेंट या एग्जीक्यूटिव MSc इन्वायरमेंट 2 से 7 साल का एक्सपीरियंस। नेक्स्ट है प्रोक्यूरमेंट एग्जीक्यूटिव या BTech इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल केमिकल 2 से 7 साल का एक्सपीरियंस। नेक्स्ट बात करें IT के लिए वैकेंसी है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव, जहाँ पर BTech कंप्यूटर साइंस, IT इलेक्ट्रॉनिक्स, टेली कम्युनिकेशन, जहाँ पर MCA भी चलेगा, 2 से 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। यहाँ पर दोस्तों कॉन्टैक्ट पर्सन का भी नेम दिया गया, संदीप कपिल, शिखा शर्मा। कॉन्टैक्ट नंबर है 9805508451। मेल आईडी दी गई जिस पर आप अपना CV ड्रॉप कर सकते हो, shikhasharma@totrentprama.com। नेक्स्ट मेल आईडी दी गई जिस पर अपना CV ड्रॉप कर सकते हैं इजीली। नेक्स्ट बात करें तो दोस्तों यहाँ पर वॉकिंग इंटरव्यू रिक्रूटमेंट है, जहाँ पर QC के लिए सीनियर ऑफिसर एग्जीक्यूटिव बी फार्मा MSc 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस। QA के लिए वैकेंसी ऑफिसर सीनियर ऑफिसर बी फार्मा MSc 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस PLC, जहाँ पर सीनियर एग्जीक्यूटिव टीम लीडर BTech डिप्लोमा 6 से 10 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। नेक्स्ट है प्रोडक्शन पैकिंग ऑफिसर सीनियर ऑफिसर BSc बी फार्मा 2 से 4 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया। QA डॉक्यूमेंटेशन के लिए वैकेंसी है ऑफिसर सीनियर ऑफिसर बी फार्मा MSc एम फार्मा 1 से 3 साल का एक्सपीरियंस। भिवाड़ी राजस्थान लोकेशन के लिए वैकेंसी है। मेल आईडी दी गई जिस पर अपना CV ड्रॉप कर देना, CARERS@GRACURE.IN। मेल आईडी नेक्स्ट भी दी गई जिस पर अपना CV ड्रॉप कर सकते हैं इजीली। नेक्स्ट बात करूँ दोस्तों यहाँ पर वॉकिंग इंटरव्यू हैं जो 20, 21 और 23, 25 मार्च को होने वाले हैं, 2 बजे से 5 बजे तक। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो वैकेंसीज हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। यहाँ पर बात करूँ तो मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, तो बहुत सारी पैकिंग के लिए है, इस तरीके से बहुत सारी वैकेंसीज हैं। तो फाइनली यहाँ पर 1 ईयर और मैक्स 10 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए। क्वालिफिकेशन ITI इंटर बी फार्मा BSc और मांगा गया है। और यहाँ पर दोस्तों आप इजीली लोकेशन दी गई जहाँ तेलंगाना में आपको दोस्तों इंटरव्यू देने जाना रहेगा। बाकी का किशोर, तो यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट कर लेना संतोष करके, और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ इधर जाना है, जो भी हैं यहाँ पर लिखे गए हैं आपको देखने को, करंट कंपनी अपॉइंटमेंट लेटर, लेटर इंक्रीमेंट लेटर, एजुकेशन 10 to highest क्वालिफिकेशन
हैं या एक्सपीरियंस लेटर प्रीवियस या करंट। लेटेस्ट सैलरी स्लिप जनवरी फरवरी 2023, 3 मंथ का बैंक स्टेटमेंट सब होना अनिवार्य है।